अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज की भी हमारी वीडियो काफी ज्यादा इंप्रेसिंग, काफी ज्यादा यूजलेस होने वाली है, क्योंकि आज आप लोगों के साथ हाई एंड स्किन की रीटचिंग का मेथड शेयर करूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करके इतना अच्छा ट्यूटोरियल वीडियो जो है क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी तरह ही बहुत ही अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल वीडियो जो है क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी हाई क्लास स्किन की रीटचिंग करेंगे। ठीक है, स्किन को इस तरह का नीट एंड क्लीन करेंगे जिस तरह आप अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर पिक्चर को देखे, काफी ज्यादा पिक्चर के ऊपर वर्क करके अपने पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्चर थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने रीटचिंग की है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों के साथ शो करवाता हूँ। ये देखें, तो पहले वो पिक्चर थी, बाद में जब हमने रीटचिंग की है वो सेम यही इसी मेथड के अंदर आ गई है। ठीक है, तो यही मेथड है जो आप लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोगों के लिए बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये कलर फिल्टर है। ठीक है, इसके अंदर फिल्टर क्रिएट किया गया स्किन की रीटचिंग के बाद। इसी तरह ही आप लोगों को काफी कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, तो सिर्फ आप लोगों का गाइस सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई मेरे चैनल को ऊपर नहीं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑल करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट एंड शेयरिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अडाफोर्ड शॉप के अंदर आ जाते हैं। ये देखें, मेरा जो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह ही आप लोगों के साथ इस छोटे छोटे से मेथड जो है शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो गाइस ये देखें, पोर्ट्रेट जो हमारी इतनी हाई डेफिनेशन का रिजल्ट है। ठीक है, तो इसके ऊपर सैंपल के तौर पर भी ये पिक्चर जो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर से मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसके ऊपर वर्क करके अपने पिक्चर को, अपने वर्क को भी और ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब भी स्किन की रीटचिंग करता हूँ आप लोगों को यही बोलता हूँ कि स्पॉट हील टूल की मदद से आप स्किन की रीटचिंग किया करें। कहने का मतलब जो छोटे छोटे डॉट होते हैं, निशान होते हैं, उसे जो है यहाँ पर रेज कर लिया करें। ठीक है, उससे ये है कि जब भी आप स्किन की रीटचिंग करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर रेडनेस एंड ब्लैकनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी और इक्वल कलर रहेगा। इक्वल कलर के साथ ही आप लोगों को बहुत ही अच्छी सी शाइन जो है प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को आज ब्रीड जो है, ब्रीड किस तरह सेट करते हैं, जैसे कि ये ब्रीड की आउटलाइन आप वॉच कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को ब्रीड का कुछ मेथड बताऊंगा। ठीक है, आप अपने स्किन के ऊपर जो ब्रीड है उसे किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं और स्किन को हाई डेफिनेशन रिजल्ट के साथ जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा, तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अडाफोर्ड शॉप से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी मसला आ रहा है, कोई कुछ भी आप लोगों को पूछना, तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वहां पर आप लोगों को रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मिक्सर टूल ब्रश की मदद से हम इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर मैंने कर ली है। ठीक है, तो मिक्सर टूल ब्रश की टोटली जो सेटिंग है, टोटली जो इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो है उसका लिंक जो है ऊपर आइकॉन बटन के अंदर शो होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप वहां पर इजीली उसे जो है वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सर टूल ब्रश को ही हम यूज करते हैं। ठीक है, अपनी फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, जो नेचुरली वर्क होता है उसका एक एक्शन है जो आप अपनी स्किन के ऊपर नॉइज वेयर स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएक्स रीटचिंग जो है आज हम इस पिक्चर्स के अंदर करेंगे एंड इसकी ब्रीड का स्टाइल को भी और ज्यादा बेटर देन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिक्सर टूल ब्रश मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो गाइज मैं आप लोगों को बार बार ये बोलता हूँ कि आप जो है मिक्सर टूल ब्रश को बहुत ही प्यार से यूज किया करें, क्योंकि जब भी आप लोग पिक्चर्स को जूम करके और प्यार से यूज किया करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने पिक्चर जो है काफी अच्छी सी जो है प्रीव्यू होगी। ठीक है, तो ये देखें मैंने इसकी स्किन की जो है रीटचिंग शुरू कर ली है, तो आप लोगों के सामने भी प्रीव्यू करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वीडियो के अंदर तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो आप लोगों को वीडियो के अंदर, यानी कि कहने का मतलब यह, वीडियो के अंदर आप लोगों को छोटे छोटे से मेथड और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ जो आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते और आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफी कुछ है जो बिल्कुल फ्री के ना सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आप अपने स्किन की रीटचिंग भी और भी ज्यादा अलग क्लास की कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये देखिए, जितनी जूम करके स्किन की रीटचिंग इंशाल्लाह आप लोग करेंगे उतनी ही अच्छी पिक्चर जो है एडिट होकर आप लोगों के सामने आएगी। ठीक है, तो इसी तरह ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहूंगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर ये देखिए, इसका माथा जो है मैंने क्लीन कर लिया। ठीक है, बिफोर आफ्टर आप लोगों को शो करवाता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सी पोर्ट्रेट जो है रीटच हुई है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को स्किन के ऊपर जो चीक्स के ऊपर जब रीटचिंग की बारी आती है
यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्रेड का एक स्टाइल का कुछ मेथड बताऊंगा जो आपने अडोब फोटोशॉप के अंदर अपने पिक्चर्स के ऊपर यूज करके अपनी पिक्चर को काफी सारा लुक जो है आप ऐड कर सकती है। ठीक है, तो ब्रीड स्टाइल को किस तरह क्रिएट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है मैं सेक्शन टूल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं लाइनिंग आउटलाइनिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर जो जहाँ पर हमें जो है मिक्सर टूल ब्रश यूज करना उसकी आउटलाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें। ठीक है, तो ये मैंने अपनी ब्रीड का स्टाइल जो है सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इतना राउंड फिगर फेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर ब्रीड स्टाइल को भी बहुत अच्छे से जो है अफेक्ट दे सकते हैं अपनी पिक्चर्स के ऊपर, ब्रीड स्टाइल को भी और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इजी वे के स्टेप के साथ आप लोग यूज करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफी कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर सीखने को मिलेगा, जो आप लोग सीख के अपने पिक्चर्स को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें मैंने यहाँ पर जो है इसकी स्किन की रीटचिंग जो है कर ली है। ठीक है, और बाद में जो है इसकी ब्रीड का जो स्टाइल है वो आप लोगों के साथ रिव्यू करवाऊंगा और इसके ऊपर जो है जो छोटे छोटे से मेथड हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें इजीली मैंने चीज के ऊपर यूज किया, तो यहाँ पर ये देखें ब्रीड का एक रैंक भी बन गया। ठीक है, ब्रीड का एक स्टाइल भी जो है इक्वल होकर हमारे सामने आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह ही आप लोग भी अपनी ब्रीड को स्टाइल को इस तरह चेंज कर सकती है, उसकी जो है आउटलाइनिंग को और भी ज्यादा क्लियर और भी ज्यादा बेटर देन कर सकती है। ठीक है, तो इसी तरह ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर करूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक ट्यूटोरियल वीडियो शेयर किया जिसके अंदर एलियन स्किन एक्सपोजर X5 के 20 प्लस जो थे प्रीस्ट थे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच किया करें। ठीक है, वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा करें, अगर आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके देखती है तो गाइस मैं आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है लाइक में नहीं शेयरिंग करना मत भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें नोज के ऊपर मैंने इसका जो है इजी वे के स्टेप के साथ जो है यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो ये देखें आप लोगों के सामने ही वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसका वेट जो है 26 है, इसका लोड 75 है, मिक्सर इसका 90 है, फ्लो इसका 100 है और इसका जो स्मूथनेस है वो 10 है। ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये पॉइंट आता है। ठीक है, जो ओल्ड वर्जन है उसके अंदर नहीं आता, 15, 16, 17 यानी 18 तक नहीं आते। ठीक है, तो इसी तरह ही आप लोग मिक्सर टूल ब्रश की फुल लर्न करके अपनी स्किन को और भी ज्यादा हाई डेफिनेशन रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आप लोग यूज करके अपने पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहां पर भी मैं यूज कर रहा हूं, ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ जो है हमने स्किन की रीटचिंग कर ली है। तो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगे हैं आप लोगों के सामने कितनी अच्छी स्किन की जो है रीटचिंग कर ली है। इसी तरह ही आप भी अपने फोटोशॉप के अंदर अपने पिक्चर्स के ऊपर रीटचिंग कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक थोड़े से मेथड आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर चीज देखे, यहाँ पर कलर देखे और यहाँ पर कलर देखे थोड़ा सा डार्क हो गया, इसे भी क्लीन करने का मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो फेस के कलर कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर डार्कनेस होती है। ठीक है, तो मिक्सर टूल ब्रश हम यूज करते हैं वहां पर स्किन जो है डार्क हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह ही आप लोगों के साथ ये छोटी-छोटी मेथड शेयर कर रहा हूं जो आप लोग इजीली अपने फोटोशॉप के अंदर यूज करके अपने पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो है हेयर के कान के ऊपर आ जाते हैं, यहां पर भी इसे जो क्लीनर्स कर लेते हैं। तो इस पिक्चर का जो सैंपल है, सैंपल के तौर पर इसका पिक्चर के ऊपर सैंपल जो आप इसके ऊपर जो है रेसल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल के तौर पर ये भी जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप जो है इजीली इसे डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करके अपने वर्क को और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मेथड होते हैं जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, तो इंशाल्लाह सिर्फ आप लोगों के साथ बीबीसी स्टूडियो पर इस तरह की चीजें जो है प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें लिंक के ऊपर भी यहाँ पर हेयर है, यहाँ पर हम मिक्सर टूल ब्रश की मदद से यहाँ पर क्लीनेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें और ये देखें, यहाँ पर आप जो है अपने पिक्चर्स को खुद ही बहुत ही अच्छी सी जो है एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, आप लोग एक पिक्चर के ऊपर 10 से 12 दफा रीटचिंग करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का हैंडवर्क भी काफी ज्यादा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें छोटे छोटे से मेथड हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप लोग यूज करके अपने पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर लाइनिंग लगा के भी वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ब्रीड का स्टाइल और भी ज्यादा नेचुरल और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह यही कोशिश करता हूँ कि सिलेक्शन करके इसकी जो है रीटचिंग करूँ, क्योंकि जो हमारी ब्रीड का स्टाइल और भी ज्यादा बेटर देन लगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये जो है मैं सिलेक्शन कर ली है। ठीक है, ये देखें, ठीक है,
तो गाइज यहाँ पर जो है आप इजीली जब यूज करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के सामने काफी अच्छा सा रिजल्ट जो है प्रीव्यू होगा, जिस तरह ये लगेगा कि आपकी ओरिजिनली और नेचुरली जो है यहाँ पर ब्रेड जो है स्टाइल बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह ही आप लोग भी अपनी ब्रेड का स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं, अपनी ब्रेड को और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा ट्यूटोरियल वीडियो था वो ब्रेड के ऊपर ही था, लेकिन मैंने आप लोगों को स्किन की हाई डेफिनेशन रिजल्ट की और इसकी रिटचिंग के बारे में भी शेयर किया। ठीक है, तो ब्रेड का स्टाइल को भी आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, ये देखिए कितनी अच्छी सी जो है ब्रीड स्टाइल क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह ही आप या डा फोटोशॉप के अंदर अपने ब्रीड स्टाइल को और भी ज्यादा नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मेथड होते हैं जो आप लोग यूज करके अपने पिक्चर्स के ऊपर काफी गुड वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवाता हूँ। ये देखें, पहले ये थी अब ये है। ठीक है, तो गाइज इसी तरह ही आप भी अपनी स्किन के ऊपर इस तरह की ब्रीड जो है क्लियर कर सकती हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने कितना अच्छा था जो है ये देखें, पोटरी रिजल्ट भी, हाई डेफिनेशन इसकी रिटचिंग भी हुई है, डीएस रिटचिंग ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्मूथनेस और इतनी ज्यादा प्यारी जो है रिटचिंग हुई है। ठीक है, तो अब जो है इसके थोड़े से हेयर सेट करते हैं। ठीक है, तो हेयर सेट करने के बाद जो है इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को यही रिव्यू करवा रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरह ही अपने पिक्चर्स के ऊपर जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो बैकड्रॉप के ऊपर जो डॉट्स हैं, जो निशान है, उसे जो भी है हम मिक्सर टूल ब्रश की मदद से जो है रेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मिक्सर टूल ब्रश को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो है ये भी मैं क्लीनेस कर लेता हूँ। ठीक है, इससे भी आपकी पिक्चर काफी अच्छी सी जो है होके आप लोगों के सामने आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कैमरा फिल्टर के अंदर भी इसको ऊपर थोड़ी सी कलर गाइडिंग करेंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आने की। ठीक है, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो गाइस सिर्फ आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और प्रोवाइड भी किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी एलियन स्किन एक्सपोजर X5 की काफी ज्यादा प्रेस जो आप लोगों के साथ शेयर की है। ठीक है, आप जो है इंशाल्लाह छोटे छोटे वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो काफी कुछ है जो आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री में शेयर करना है। ठीक है, तो गाइस मैंने बैकग्राउंड भी इसका क्लीन कर लिया, पहले ये था बैकग्राउंड अब ये है। ठीक है, तो अब थोड़े से इसके हेयर सेट करते हैं, फिल्टर के अंदर जाते हैं, आप लेटिफाई के अंदर जाते हैं, इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल X। ठीक है, तो आप शिफ्ट कंट्रोल X कीबोर्ड के बटन को भी डिप करके यहां पर इस तरह के इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप लोग क्लिक करेंगे कीबोर्ड के बटन को डिप करेंगे तो आप इस प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही कोशिश करेंगे आप इतना स्मूथली वर्क करें, आराम आराम से पिक्चर्स के ऊपर जो है हेयर सेट करें। ठीक है, इसी तरह ही आप लोग भी अपने पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन लुक दे सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, मैं यहाँ पर हेयर थोड़े से यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी यही कोशिश किया करें पिक्चर्स के ऊपर टाइम लगाया करें, कहने का मतलब है कि पिक्चर्स के ऊपर वर्क जो है ज्यादा से ज्यादा किया करें। ठीक है, तो अगर आपका वर्क एक दफा ठीक नहीं होता आप दूसरी दफा फिर ट्राई किया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह सैंपल के तौर पर ये पिक्चर भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग एडिटिंग करके मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कर सकते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपकी जो पिक्चर है स्टोरी के अंदर भी ऐड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें इसके हेयर भी सेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये देखें मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवाता हूँ। ठीक है, पहले पिक्चर हमारी ये थी अब ये है। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने कितना अच्छा सा पोर्ट्रेट जो है रिजल्ट जो है क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब हम फिल्टर के अंदर जाते हैं, कैमरा फिल्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कैमरा फिल्टर मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कलर गाइडिंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टच देने की कोशिश करेंगे इस पिक्चर्स के ऊपर जो हम नेचुरली वर्क के अंदर करते हैं। ठीक है, इस पिक्चर के ऊपर थोड़ा सा टच देंगे तो इंशाल्लाह हमारी पिक्चर काफी अच्छी से स्मूथली होकर हमारे सामने आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हाई पास को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। ठीक है, एक्सपोज को भी थोड़ा सा कम करता हूँ, कंट्रास्ट को थोड़ा सा अप करता हूँ। ठीक है, व्हाइटिंग को भी थोड़ा सा कम करता हूँ और यहां पर शेडो और शेडो को थोड़ा सा अप कर लेते हैं। ठीक है, अब आती है बात स्किन की। ठीक है, तो स्किन की जो कलर है ऑरेंज, ऑरेंज कलर हमारी स्किन के ऊपर काफी ज्यादा अटैच होती है। ठीक है, आउटडोर पिक्चर्स के अंदर भी और इंडोर पिक्चर्स के अंदर भी आप ऑरेंज कलर से अपने स्किन को जो है व्हाइटिंग कलर के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोजर थोड़ा सा कम किया था जिसकी वजह से इसकी लाइट जो है मध्यम मध्यम शो हो रही है। ठीक है, इसे कहते हैं नाइस नाइट ग्लोइंग पिक्चर्स। ठीक है, जैसे कि ग्लोइंग ग्लोइंग पिक्चर्स के अंदर शाइन एड हो जाती है। ठीक है, इसे डार्क नाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका एक्सपोजर 70-75 से इसे हम थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस करने से देखें हमारी पिक्चर कितनी अच्छी से स्मूथली शाइन टचअप होकर हमारे सामने आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्सप्लोर को थोड़ा सा कम करते हैं, जैसे कि 15 के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर ब्लैक कलर है, ये हेयर्स को टच देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हेयर्स को थोड़ा सा टच दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर टेक्सचर है, टेक्सचर को थोड़ा सा ज्यादा करें और ग्रेविटी को भी थोड़ा सा ज्यादा करेंगे आपकी पिक्चर हाई डेफिनेशन लेवल की एडिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये छोटे छोटे से मेथड जो है आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखिए कैमरा फिल्टर के अंदर किस तरह का टचअप हुआ है, ये मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवाता हूँ। ये देखें
यहाँ पर हैंड भी कितने ज्यादा प्यारे और कितने ज्यादा स्मूथली हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह ही आप लोग भी अपने पिक्चर्स के ऊपर, तो गाइज इसी तरह ही आप भी अपने पिक्चर्स के अंदर काफी अच्छी सी लुक जो है परव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ी सी इसकी और भी रीटचिंग के बारे में मैं करता हूँ, कहने का मतलब हो और भी ज्यादा हाई डेफिनेशन रीटचिंग करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा एफएक्स ऐड करते हैं, ठीक है। एफएक्स ज्यादा ऐड नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर जो है पिक्चर जो हमारी क्लोजअप है, ठीक है, पिक्चर जो क्लोजअप हो उसके ऊपर कम एफएक्स जो है ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सिलेक्शन है, यहाँ पर थोड़ी सी अप करता हूँ। यहाँ पर जो है ये देखें कलर कितनी अच्छी सी परव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही आप भी अपने पिक्चर के अंदर सेम ये मेथड यूज करके अपने पिक्चर को काफी अच्छी से लुक एंड शाइन जो है क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से मेथड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का बिफोर आफ्टर शो करवाता हूँ, ठीक है। तो जो आप लोगों को काफी कुछ दो है मिलने, यहाँ पर ये देखें ये बिफोर है और यहाँ पर ये देखें, देखे देखे गाइज कितनी अच्छी सी जो है पोर्ट्रेट रीटचिंग हुई है, ठीक है। और ब्रीड का स्टाइल भी आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर क्या थी और यहाँ पर पिक्चर क्या है, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोग भी अपने पिक्चर के अंदर ये चीज को और ये मेथड को यूज करके अपने पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फिट ऑन स्क्रीन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखा बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे मेथड है जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो गाइस सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत कुछ है जो बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह हाफिज़।